ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है और आपने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स सुने होंगे कि जो कल रात को वाकया हुआ, मेरे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट के जो होल्डिंग्स पूरी सिटी में इंस्टॉल किए गए, टी सीरीज ने इंस्टॉल किया हुआ है, मेरा डेब्यू होने वाला है बॉलीवुड का 14 तारीख को, टी सीरीज और मिस्टी सनी फिल्म्स मुझे लॉन्च कर रहे हैं। तो हमने अनवील किया था फर्स्ट पोस्टर प्रेस क्लब में 1 तारीख को, जो मैंने कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार यहाँ पे पोस्टर अनवील कराया और पूरे बॉलीवुड को मैंने एक रिवाइव करने की कोशिश की कि यहाँ पे पूरा जो भी इवेंट्स हो सारे कश्मीर में हो। इवन मेरी शूटिंग भी मैंने कश्मीर में ही की। तो लाइक कल ऐसी न्यूज हमारे शाम को करीबन 9:30-10 बजे न्यूज आ गई कि डाउनटाउन में मेरे होल्डिंग्स को अटैक किया गया, डैमेज किए गए। सो ये एक बड़ा क्रिटिकल इशू है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, यूथ को आगे जो बढ़ना चाहता है उसको क्यों रोका जा रहा है, इसका क्या रीजन है, होल्डिंग्स को अटैक करना, थ्रेट करना, सोशल मीडिया ट्रोलिंग करनी, इससे आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट आप डिफेम कर रहे हो नाम डाउनटाउन का, पूरे कश्मीर का नाम डिफेम कर रहे हो। ये मैसेज जो बाहर जाएगा वो यही रिप्रेजेंट करेगा कि कश्मीर के हर एक लोग एक ही आइडियोलॉजी के है। मैं आपको क्लियरली बोलूं कि ये एक रेडिकलाइज्ड सिलेक्टेड रेडिकलाइज आइडियोलॉजी है जो यूथ को रोक रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल स्ट्रेन है जो चाहते हैं कि यूथ यहां का आगे ना बढ़े, यहां की डेवलपमेंट रुके एंड प्रोग्रेस कश्मीर ना करे, मेन यही चीज है। इस वजह से हमारा यहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, टूरिज्म ऑलमोस्ट खत्म है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बॉलीवुड भी यहां से जा चुका था बिल्कुल। मैंने बहुत कोशिश की कि बॉलीवुड यहां पे वापस आए और मैं बहुत कोशिश आगे भी करूंगा कि यहां पे पूरा टूरिज्म फ्लोरिश हो, बॉलीवुड चीजें ऐसी एस्टैब्लिश हो हमारे यहां पे, मगर स्टिल इन चीजों से मैं डिमोटिवेट नहीं होने वाला हूं। आपकी प्लेटफॉर्म से मैं ये मैसेज दे रहा हूं यूथ को कि इन सब छोटी चीजों से बैनर्स फाड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बैनर कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं हम, मगर मेन चीज है कि आप एक मैसेज दे रहे हो आगे, इंटरनेशनल लेवल पे एक मैसेज दे रहे हो, जो नाम बदनाम हो रहा है हमारे डाउनटाउन का, डाउनटाउन को आप डिफेम कर रहे हो, कश्मीर को डिफेम कर रहे हो। ये एक बड़ा एक सीरियस क्रिटिकल इशू है जिसमें पुलिस को एक स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना चाहिए एंड जिन्होंने ये हरकत करी है उनके खिलाफ अकॉर्डिंग टू लॉ उनको बुक किया जाए, और ताकि दूसरों को भी एक ऐसा लेसन मिले जो ऐसी आइडियोलॉजी जिनके अंदर पनपती है कि हम ऐसा ऐसा करें, ये कारण है हमारा यूथ यहां पे डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। मैं आपको बता दूं, जब मैंने स्टार्ट किया, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, लास्ट ईयर भी ऐसी ही सिचुएशन हुई, मेरे बैनर्स को अटैक किया गया, आज भी वही क्रिटिकल सिचुएशन हुई। जब मेरा इतना बड़ा डेब्यू प्रोजेक्ट है, जब मैं कश्मीर का नाम रोशन कर रहा हूं इंटरनेशनल लेवल पे, जब मेरे को वर्ल्ड की पावरफुल म्यूजिक लेबल चैनल लॉन्च कर रही है टी सीरीज, तो उससे बढ़ के कोई बड़ी बात नहीं थी, बट स्टिल ऐसे लोग हमारे एरिया में ब्लैक शीप्स है, सिलेक्टेड लोग हैं, गूंज है, जो चाहते हैं कि डिस्टर्ब पीस करे, यहां की डेवलपमेंट को खत्म करना चाहते हैं। मैं यही कह रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन को कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उनको मिले जिन्होंने भी ये सब किया और जो भी ये पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मेरी मैसेज यहां के यूथ के लिए यही है कि जस्ट लिव योर पैशन, लिव योर ड्रीम, कुछ भी हो जाए, कोई भी आप लोगों को रोकने की कोशिश करे आप ना रुके। ये मेरी एक सीरियस एक रिक्वेस्ट है यहां के युवा से, जो यहां का युवा एक डिस्टर्ब लाइफ जी रहा है, आप बाहर आइए, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिनकी जरूरत आप लोगों को है एंड आप लोगों के पास बहुत सारा टैलेंट है, अपने टैलेंट को रिवील कीजिए एंड आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है। ये मेरी एक स्पेशल मैसेज है यहां के यूथ के लिए। हाँ, और ये मैं बताना चाहूंगा, आई एम नॉट गोना गिव अप, चाहे कुछ भी हो, कोई भी मुझे थ्रेट करे, कोई भी रोकने की कोशिश करे, मैं कोशिश करूंगा यहां पे बॉलीवुड रिवाइव हो, बहुत अच्छी कोशिश करूंगा और अपने कश्मीर का नाम रोशन करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे किसी का भी थ्रेट सहना पड़े। एंड रेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अप टू एडमिनिस्ट्रेशन, अप टू पुलिस टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल द थ्रेट्स हु आर लाइक राइट नाउ डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज, हु आर डिफेमिंग द पीस, हु आर डिफेमिंग द डाउनटाउन श्रीनगर, हु आर ट्राइंग टू क्रिएट द रेडिकलाइज्म हियर। सो दिस इज माई मैसेज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल यूथ हु आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ बेस्ट फ्यूचर।